क्या आपको पता है IMEI नंबर क्या होता है? क्या आपको पता है IMEI नंबर किस लिए होता है? तो आज इस वीडियो पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, बिना स्किप किए फुल वीडियो को देखते रहना। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बगल में घंटी है उसको भी बजा देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। IMEI नंबर जो होता है ये आपका फोन का एक पहचान होता है और ये आपका फोन का सेटिंग में भी देखने को मिलेगा, आपका फोन का बिल बॉक्स पर भी देखने को मिलेगा और ये आपका फोन का बैटरी पर भी रहेगा। और यहाँ पर आप *#06# भी डायल करोगे तो यहाँ पर आपका जो IMEI नंबर जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका अगर दो सिम वाला फ़ोन है तो यहाँ पर आपका दो IMEI नंबर चलाएगा और आपका एक सिम वाला फ़ोन है जो है तो यहाँ पर आपका एक IMEI नंबर आ जाएगा। अक्सर आपका मन में ख्याल आता होगा पुलिस किसी का फोन को कैसे ट्रैक कर लेती है। लाइक मानो आपका फोन कहीं पर गिर गया है या फिर किसी ने चुरा लिया है और वो फोन आपको ढूंढने पर नहीं मिलता है तो आप आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया, हाँ आप पुलिस स्टेशन जाता हूँ और जिसने भी मेरा फोन कोई चोरी किया है मैं पुलिस को बताऊंगा, वो पुलिस उस फोन को पकड़ लेगा और मेरा फोन मुझे मिल जाएगा। तो पुलिस वाला क्या करेगा, आपका फोन का IMEI नंबर जो है वो आपका पास से लेगा जो मैंने पहले ही बता दिया था। अब ये मत सोच लेना कि हाँ मैंने IMEI नंबर दे दिया, फोन जिसने चुराया है उसको पुलिस तुरंत पकड़ लेगा और मेरा जो फोन है मुझे तुरंत ही मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका पास से जो IMEI नंबर लिया है पुलिस वाले ने, वो पुलिस वाला क्या करेगा, जितना भी सिम कंपनी है उस सब सिम कंपनी पर आपका IMEI नंबर जो है वो दे देगा। पुलिस वाला ये बोलेगा कि इस नंबर को जो है ये सर्विलेंस पर डाल दो, मतलब इस नंबर को निगरानी पर रखो। अब उस फोन को जैसे ही किसी सिम डालकर चालू करेगा, कोई भी सिम जियो एयरटेल वोडा जो भी सिम डालकर चालू करेगा उस सिम कंपनी वालों के पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो सिम कंपनी वालों क्या करेगा उस पुलिस वालों को बता देगा कि हाँ ये फोन जो है ये चालू हो चुका है। पुलिस वाले क्या करेगा उस फोन को जो है वो ट्रैक करेगा। पुलिस वालों भी उस सिम का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर पाएगा, रेंज मिलेगा कि हाँ इस एरिया पर जो है ये फोन चालू हुआ है और आपका फोन अगर बंद है तो उस फोन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर हाँ उस फोन अगर वहाँ पर चालू हुआ है और वहाँ पर ही बंद हो चुका है, जहाँ पर फोन बंद हुआ है उस जगह का ही लास्ट लोकेशन दिखाएगा। पुलिस भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर पाएगा, एक रेंज मिलेगा उस लोकेशन पर कि हाँ इस एरिया पर जो है ये फोन है। आप देखो 2G नेटवर्क का रेंज अलग रहेगा, 3G नेटवर्क का रेंज अलग रहेगा और 4G नेटवर्क का रेंज अलग रहेगा। अब देखेगा ये कि उस एरिया पर जो है कौन सा नेटवर्क पर जुड़ा हुआ है, ऐसी करके उसका करीब जाके जो है उस फोन को ढूंढ निकालता है। हालांकि इस सब केस पर इतना जोर नहीं देता है, अगर देता है तो आपका फोन आपको मिल जाए, नहीं तो आपका फोन को भूल ही जाइए। वीडियो कैसे लगा कमेंट पर बताना, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।